जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशि फल। जय जय श्री राधे कृष्णा, हरि हर महादेव। ओम सकल तत्व स्वरूपाय रुद्राय नमः। आइए चर्चा करते हैं हम लोग आज भगवान शिव के ऊपर जो तीन दल वाला बिलपत्र चढ़ाते हैं, इस विषय पर चर्चा। आप सभी लोग जानते हैं प्रायः कि भगवान किसी भी शिवलिंग पर तीन दल वाला ही पत्ता क्यों चढ़ाते हैं? दो दल वाला, एक दल वाला अथवा तीन दल वाले पत्ते में कटा फटा हो, छेद हो, उसको नहीं चढ़ाया जाता है, खंडित कहा जाता है। शिव पुराण के अंतर्गत बिलपत्र की बहुत बड़ी विस्तार से महिमा है, सात सात पन्नों में विस्तार से। बिलपत्र के लिए तो लिखा भी है कि यदि स्थिति परिस्थिति आपकी ना हो तीन दल वाले बिलपत्र की या तुरंत तोड़ करके चढ़ाने की, तो आप बिलपत्री का चूर्ण या बिलपत्री एक दल भी चढ़ा सकते हैं, या भगवान शिव के ऊपर जो बिलपत्री चढ़ चुकी है उसको पुनः उठा करके और धो करके फिर वापस से चढ़ा सकते हैं। इतनी महिमा है बिलपत्र की। तीन दल वाला यदि बिलपत्र आपको मिलता है और शुद्ध पवित्र, तो फिर वो विशेष से विशेष लाभदायक श्रेष्ठदायक ही होता है, क्योंकि लिखा है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। तीन दल का बिलपत्र ध्यान देने की बात है। और भगवान शिव के भी त्रिनेत्रधारी हैं, तीन नेत्र हैं भगवान शिव के। भगवान शिव त्रिगुणाकारी हैं, त्रिगुणातीत हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुतम, तीन प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले हैं। अथवा भगवान शिव जो त्रिशूल को धारण करते हैं उसमें भी त्रिशूल में तीन प्रकार की शूलें होती हैं, नेत्र भी तीन, बिलपत्री में भी पत्ते तीन, सब कुछ स्थितियां जब त्रिनेत्रधारी की समथिंग समास में मिल जाती है, ऐसे बिलपत्री को चलाने से त्रिजन्म पाप संगारम, वह भी बोले एक नहीं, दो नहीं या चार नहीं, बोले तीन जन्मों का त्रिजन्म पाप संगारम बिलपत्रम शिवार्पणम, तीन जन्मों के पाप ताप आपके सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसी महिमा भगवान शिवोपरि शिव के ऊपर बिलपत्र चढ़ाने की है। इसलिए भगवान शिव को विशेष वस्तुओं में से एक विशेष वस्तु बिलपत्र भी विशेष प्रिय है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।